पवई में स्वर्णकार समाज द्वारा शुक्रवार को महाराज अजमेर जी जयंती के उपलक्ष्य में धूमधाम एवं आतिशबाजी करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जो जगदीश स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा बस स्टैंड मिलोनीगंज से झंडा बाजार कन्याशाला होते हुए माता कलेही मंदिर पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं समाज के लोगों का सम्मान किया गया। उक्त कार्यक्रम में समाज के युवाओं का विशेष सहयोग रहा। अजमेर, जिसका प्राचीन नाम अजमेरी था, शहर बसाकर मेवाड़ की नींव रखने वाले महाराज अजमेर जी की मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की आदि पुरुष मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज अजमेर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अत्रि की 28वीं पीढ़ी में त्रेता युग में जन्मे थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समकालीन ही नहीं बल्कि उनके परम मित्र भी थे। महाराजा अजमेर जी के पिता श्री हस्ती थे, जिन्होंने महाभारत काल में वर्णित हस्तनापुर नगर को बसाया था और अजमेर जी ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हस्तनापुर की राजगद्दी पर उत्तराधिकारी हुए और बाद में अजमेर प्रतिष्ठापुर प्रयाग एवं हस्तनापुर दोनों राज्यों के भी सम्राट हुए। प्रारंभ से चंद्रवंशियों की राजधानी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर में हुई थी। हस्तनापुर बसाए जाने के बाद प्रमुख राजगद्दी हस्तनापुर हो गई। इतिहासकारों के अनुसार के मुताबिक पूर्व ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 2200 वर्ष में उनका राज्यकाल रहा। महाराजा हस्ती के जीवन काल की प्रमुख घटना यही मानी जाती है और जिन्होंने हस्तनापुर का निर्माण करवाया। प्राचीन समय में हस्तनापुर केवल तीर्थ स्थल बल्कि देश का प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक केंद्र रहा। कालांतर में हस्तनापुर कौरवों की राजधानी रहा, जिसके लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र हुआ। इसी प्रकार से हमारे महाराजा अजमेर जी ने स्वर्ण समाज का गठन किया और उनकी जयंती हम लोग यहाँ पर मनाने सब लोग आए हैं, सभी समाज के लोग, और जगदीश स्वामी मंदिर से विशाल उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, कल ही प्रांगण में आकर के समाप्त किया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।